सिद्धार्थ और रश्मि दो ऐसे कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस के जो आते ही बहुत चहेते बन गए हैं सारे के सारे व्यूअर्स के। लेकिन इन दोनों के बारे में आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो कि ना आपने कभी सुनी होंगी और ना ही आपको मीडिया वालों ने कभी बताई होगी। इन दोनों ने एक सीरियल में काम किया था जो कि कलर्स पे आया करता था। दोनों उसके लीड कैरेक्टर्स थे। लेकिन कहा यह जाता है कि शुरुआत में तो इन दोनों के बीच में बहुत खूबसूरत से रिश्ते रहे। बात यहाँ तक थी कि इन दोनों के बीच के अंदर कुछ लव और रोमांस भी बढ़ रहा। लेकिन फिर बाद में रश्मि को यह बात पता चली कि सिद्धार्थ शुक्ला दोस्ती के नाम पे पीछे ही पीछे उनको काट रहे हैं। मतलब वो चाहते थे कि रश्मि इस शो में ना रहे। जब रश्मि को ये बात पता चली तो फिर उन्होंने उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि रश्मि ने खुद बिग बॉस के अंदर कही। इस वजह से रश्मि और सिद्धार्थ के बीच में काफ़ी दूरियां आ गई। ये तो थी एक बात। लेकिन उसी दौरान 2017 में सिद्धार्थ शुक्ला की उस शो के अंदर लड़ाई हुई एक ऐसी एक्ट्रेस से जिसने खतरों के खिलाड़ी में भी काम किया था। वो लड़ाई कुछ इतनी बढ़ गई कि मेकर्स को गुस्से में सिद्धार्थ शुक्ला को बाहर निकालना पड़ा। हालांकि शो तो बंद हो गया लेकिन रश्मि और सिद्धार्थ के बीच में जो दूरियां थी वो बंद नहीं हुई। अब आज भी रश्मि सिद्धार्थ को उस शो के बंद होने के लिए जिम्मेदार ठहराती हैं। और वैसे भी आप ये बात जानते ही हैं कि अगर आप किसी के पेट पे लात मारेंगे तो परेशान तो दूसरा आदमी होगा ही ना। लेकिन अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कहानी रश्मि ने बताई या मीडिया में खबरें फैल रही वो सच है या गलत है। ये जजमेंट कहीं ना कहीं बिग बॉस के अंत होते होते तक हमें पता चली जाएगी कि कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा। मतलब आज थोड़ी सी तकरार भी थी लेकिन हाँ, भी काफी आज फन था। मतलब क्या कुछ चल रहा था? हाँ, वो थोड़ी खिटपिट हो गई मियां बीवी के बीच में तो वही चल रहा था। क्या कुछ कह रही थी? कुछ शिकायतें चल रही थी अंदर लगा कुछ? काफी शिकायतें हैं आप? हाँ, शिकायतें मुझे नहीं, शिकायतें शौर्वरी को मुझसे थी और मैं उनका जवाब दे रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो चीजें वो बोल रही है थोड़ी अनरीजनेबल है और पता नहीं वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। कुछ नहीं, मियां बीवी के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया। पता नहीं शौर्वरी ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही थी, क्यों बिहेव कर रही थी, बिकॉज हमारे बीच में कभी यूजली इतना झगड़ा होता नहीं, इतना क्या कभी झगड़ा नहीं होता। तो हाँ, तो थोड़ा अजीब और अलग स्पेस में